चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पंजाब राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में पटियाला जनपद में पटियाला से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा पटियाला जनपद के 6 तहसीलों में एक समाना। समाना की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के शहीद चौक से। शहर के मध्य में स्थित चौराहे पर नगर पालिका परिषद का कार्यालय स्थापित है। शहीद चौक से पश्चिम की ओर चकला बाजार, दक्षिण की ओर तहसील एवं पूर्व की ओर मेन रोड प्रारंभ होता है। मेन रोड समाना की सबसे मुख्य सड़कों में एक है। समाना के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 70,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटियाला जनपद में पटियाला, राजपुरा एवं नाभा के पश्चात चौथा सबसे बड़ा शहर है। मेन रोड पर दोनों ओर अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान कतारबद्ध नजर आते हैं। मेन रोड के दक्षिण में समाना शहर के समस्त मुख्य बाजार जैसे पोस्ट ऑफिस रोड, गांधी ग्राउंड, सर्राफा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, डोगर बाजार एवं पुलिस स्टेशन रोड स्थित हैं। समाना में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। समाना के स्थानीय वाहनों को PB42 क्रमांक से पहचाना जाता है। मेन रोड पूर्व की ओर बढ़ते हुए शहर के व्यस्त चौराहे अग्रसेन चौक पर आकर जुड़ता है। अग्रसेन चौक शहर के मुख्य चौराहों में एक है। यहां से उत्तर की ओर की सड़क नहर के सेतु को पार करके जिला मुख्यालय पटियाला की ओर प्रस्थान कर जाती है। अग्रसेन चौक से दक्षिण की ओर की सड़क बाईपास मार्ग के रूप में जानी जाती है। कुछ ही दूरी पर अंबेडकर चौक दिखाई पड़ता है। अंबेडकर चौक से उत्तर की सड़क गौशाला रोड के रूप में मेन रोड की ओर जुड़ती है। बाईपास मार्ग अंबेडकर चौक से दक्षिण की ओर तहसील रोड तिराहा आदि से होते हुए लगभग 2 किलोमीटर सफर तय करके शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर पहुंचती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक शहर के व्यस्ततम चौराहों में एक है। यहां से दक्षिण की ओर का मार्ग पटरान रोड के रूप में पटरान मुनक की ओर प्रस्थान कर जाता है। पूर्व की ओर की सड़क हरियाणा के चीका एवं कैथल की ओर जोड़ती है। पश्चिम की ओर की सड़क भवानीगढ़ रोड के रूप में जानी जाती है। यह सड़क समाना शहर के दक्षिणी छोर को छूते हुए अनाज मंडी से होकर भवानीगढ़, संगरूर आदि की ओर प्रस्थान कर जाती है। बाईपास मार्ग स्थित तहसील रोड तिराहा से पश्चिम की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क तहसील रोड के रूप में समाना शहरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह मार्ग भी पूर्णतः व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। समाना पंजाब में एक बड़ी व्यापारिक मंडी के रूप में पहचान रखता है। तहसील मार्ग पर ही समाना का बस अड्डा स्थित है, जहां से आसपास के शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बस अड्डा से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तहसील मार्ग अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं आधुनिक शोरूमों से गुजरता है। समाना ब्रिटिश काल में पटियाला रियासत अंतर्गत आता था। देश की आजादी के पश्चात यह पेप्सू राज्य के पटियाला जनपद में एक तहसील के रूप में उच्चीकृत किया गया। 1956 में पेप्सू राज्य का विलय पंजाब में कर दिया गया। वर्तमान में समाना पंजाब राज्य के पटियाला जिले के 6 तहसीलों में एक है। तहसील रोड अपने पश्चिमी छोर पर तहसील चौराहा पर पहुंचती है। तहसील चौराहा के निकट ही तहसील एवं उपजिलाधिकारी समाना का कार्यालय भी स्थित है। चौराहे से उत्तर की सड़क शहीद चौक से जोड़ती है। समाना जैसे सुंदर शहर में आना और इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक सपने का पूरा होने जैसा था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। समाना शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो समाना शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।